वजीफा बाबर चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेन के द्वारा। इस पेन के द्वारा आपके पेट की हर बीमारी दूर होगी। ये एक छोटा सा टुटका है, आप इसको कर लीजिएगा। इसके द्वारा यानी कि पेन के द्वारा आपके पेट में कोई सी भी बीमारी है, कीड़े हैं, कुछ भी है आपके पेट के अंदर, गैस है वगैरह कुछ भी है, तो इस पेन के द्वारा आपके पेट की हर बीमारी दूर हो जाएगी। एक बार आप इसको आजमा लीजिएगा। आपको लगता होगा पता नहीं ये कौन सा टुटका बता रहे हैं, इसके कोई मायने हैं या नहीं है, तो ये मेरा आजमाया हुआ है। इसको मैंने एक बार यूज़ किया था तो मेरे भी पेट को बहुत आराम मिला था। तो ये एक बार इस पेन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता, कितनी भी पुरानी आपकी पेट की बीमारी है तो आप एक बार इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसका इस्तेमाल देखिए हमें यहाँ से करना है, ये जो चीज़ें हमारी इस चीज़ पे हमें इस पेन का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, इस पेन के द्वारा आपके पेट की हर बीमारी दूर होगी। देखिए आपको क्या करना है, इस पेन को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, फिर यहाँ इस तरीके से रखना है और ऐसे रखते हुए आपको इस तरीके से करना है, ऐसे मसाज करनी है इस तरीके से, ऐसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, ठीक है। इस पे ज़्यादा इस पे पड़ना चाहिए। अगर नुकीली चीज़ है कोई, जैसे कोई नुकीली चीज़ है, नुकीली बॉल है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमें इस हथेली पे इस तरीके से लगानी है, ऐसे करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें पेन को घुमाना है खूब ज़्यादा, 15 से 20 मिनट तक करना है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, यकीन के साथ कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से आपको मसाज करनी, देखिए इस तरीके से। इस पेन के द्वारा आपके पेट की हर बीमारी दूर होगी। आपके पेट में कितनी भी ज़्यादा तकलीफ थी वो तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ आपको इस तरीके से पेन के द्वारा करना है, आपके पेट की बीमारी ज़रूर दूर होगी। आप एक बार इसको ज़रूर आजमाइएगा। लेकिन जो नीचे का जो हिस्सा है ज़्यादातर इसको इस तरीके से रखिएगा, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। इसको ज़्यादातर आपको नीचे रखना है इस तरीके से, ठीक है। आप एक बार इसको ज़रूर आजमाइएगा और देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके पेट में अगर कीड़े हो गए हैं या कोई वैसी बीमारी है तो भी उससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। ये आजमाया हुआ अमल है तो आप इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। आपको इस तरीके से पेन से इसको आपको करना है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।